मोदी सरकार दावा क्या करती है, 56 इंच के सीने की राजनीति, मगर डर किससे जाती है, स्वतंत्र विचारों से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आप जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर मोदी सरकार को अदालत में घसीट कर ले गई है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार पिछले कई दिनों से एक गैर वाजिब मांग कर रही है। मोदी सरकार ने उन्हें पूरी लिस्ट दी है अकाउंट्स की जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चलाए जाते हैं, या तो इन्हें ब्लॉक करने की या इन्हें हटाने की। ट्विटर क्या कह रहा है? ट्विटर यह कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह विचारों की अभिव्यक्ति का उल्लंघन है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं मोदी सरकार के दोहरे मापदंड जहां तक विचारों की अभिव्यक्ति की बात आती है। आज मोदी सरकार कह तो रही है ट्विटर से कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक कीजिए, मगर दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ अकाउंट्स को लेकर वो अपनी आंखें मूंद लेती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कर्नाटक कोर्ट में ट्विटर जो मोदी सरकार को घसीट कर ले गई है, दरअसल उसने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। ट्विटर का मानना है कि खाते के आधार पर ब्लॉकिंग सैद्धांतिक रूप से असंगत उपाय है और यह संविधान के तहत यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है, खासतौर से तब जब यूआरएल और अकाउंट को ब्लॉक करने का कारण सेक्शन 69A को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। इसका तर्क है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भी कहा है कि यूजर के अकाउंट को हटाना आखिरी उपाय होना चाहिए। अब मोदी सरकार ट्विटर को किस तरह से धमका रही है? मोदी सरकार ट्विटर को कह रही है कि इंटरमीडियरी के तौर पर जो हमने आपको सुरक्षा कवच दिया है, हम उसे हटा देंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ट्विटर पर कुछ डालता है, कुछ पोस्ट करता है, तो ट्विटर पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बेशक वो डेफेमेटरी हो, बेशक वो मानहानि से जुड़ा हो, क्योंकि ट्विटर सिर्फ एक माध्यम है। मोदी सरकार उस दर्जे को हटा देना चाहती है और वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 28 जून को ट्विटर को खत लिखकर 4 जुलाई तक आदेशों का पालन करने को कहा था। साथ ही में यह भी कहा था कि ऐसा ना करने के हालात में इंटरमीडियरी की तौर पर कानूनी संरक्षण गंवा दिया जाएगा। कानूनी संरक्षण को गंवाने के मायने हैं ट्विटर के अधिकारियों पर यूजर्स की ओर से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने इससे पहले मोदी सरकार के कहने पर अकाउंट्स ब्लॉक नहीं किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। On June 26, Twitter submitted a list of 80 accounts and tweets that it had blocked based on a request from the government in 2021. While the request from the government was to block multiple accounts and some tweets from the international advocacy group Freedom House, journalists, politicians and supporters of the farmers' protest, a senior official at the Ministry of Information Technology had said the company was yet to comply with many takedown notices. यानी कि मोदी सरकार ने क्या मांग की थी? मोदी सरकार ने मांग की थी कि कई राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, कई ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए जो किसानों का समर्थन कर रहे थे, कई ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में मोदी सरकार दुनिया के सामने अपनी क्या छवि पेश कर रही है? क्या मोदी सरकार अपनी छवि एक ऐसे सरकार के तौर पर पेश कर रही है जो मानवाधिकार के खिलाफ है? और जहां तक भड़काऊ बातों की बात है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है नवीन कुमार जिंदल, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, जिसने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात ट्वीट की थी। खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पार्टी से निलंबित नहीं किया, धक्के मार के पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी कि पार्टी से निकाल दिया। यानी कि बीजेपी मानती है कि नवीन कुमार जिंदल ने जो कहा, जो किया, वो गलत था।
मगर मैं पूछना चाहता हूं, इस भड़काऊ बयान के चलते देश भर में जो टकराव हो रहा है, जो अराजकता हो रही है, मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई की? आज तक नहीं की। इससे पता चलता है आपके दोहरे मापदंड। आपके स्क्रीन पर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए जेल में है, न्याय की हिरासत में है। 2018 के लिए जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उस व्यक्ति का अकाउंट ही डिलीट हो गया है, मगर इस व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाल दिया। इसका एक और गुनाह था दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं प्रचार तंत्र अपनी तरफ से काफी झूठ का प्रचार प्रसार करता है। जुबैर जिस संस्था में काम करते हैं यानी ऑल्ट न्यूज, वो इसी तरह के झूठ का पर्दाफाश करता है। यानी कि मोदी सरकार नवीन कुमार जिंदल के साथ है मगर जुबैर के साथ नहीं है। इसके अलावा और भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय। इस आदमी ने जब हाथरस कांड हुआ था, जब गुड़िया के साथ पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उस हाथरस कांड में अमित मालवीय ने उस बच्ची का पूरा वीडियो डाला था। आप जानते हैं कानून की नजर में यह एक गुनाह है और यह ट्विटर पर हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस आदमी को जेल भेजा? नहीं भेजा, कोई एक्शन नहीं लिया। अब फिर से इन चेहरों पर गौर कीजिए, संबित पात्रा, अमित मालवीय और हाल ही में राज्यवर्धन राठौर। इन्होंने कई ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो भ्रामक थे, भड़काऊ थे। ट्विटर ने उसे मैन्युपुलेटेड मीडिया बताया था यानी भ्रामक बताया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी राहुल गांधी के बारे में एक झूठी बात कही थी। क्या मोदी सरकार ने अपने इन तीनों नेताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया? मैं ये समझना चाहता हूं। क्या वजह है कि मोदी सरकार हमेशा भड़काऊ बातें कहने वाले, भ्रामक बातें कहने वाले, झूठी बातें कहने वाले लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है? दो और मिसालें देता हूं मैं आपको। न्यूज 18 का एक पत्रकार जिसने एक झूठी खबर चलाई थी और उसके खिलाफ 3 FIR दर्ज की थी राजस्थान सरकार ने। वो झूठी खबर क्या थी कि अलवर के अंदर जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, दरअसल वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बदले में। झूठी खबर थी, 3 FIR दर्ज हुई, मगर जब पुलिस उस पत्रकार को दबोचने गई तो उसे बचाने का काम कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस। जी न्यूज का पत्रकार जिसने राहुल गांधी के बारे में जी न्यूज पर झूठी खबर चलाई थी, जब छत्तीसगढ़ पुलिस उसके घर पहुंची थी तो उसे बचा कौन रहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि भाजपा की सरकार की पुलिस। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जी न्यूज ने माफी मांग ली थी और इसके अलावा आपने केस भी दर्ज कर दिया था। गिरफ्तार करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, मगर मुद्दा वो नहीं है। जो लोग झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भ्रामक खबरें चला रहे हैं, भड़काऊ खबरें चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी क्यों दिखाई देती है? मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के काम को सही नहीं ठहरा रहा हूं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि ऐसे मामलों में पूरी कानूनी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत है, खासकर जब सजा का प्रावधान 3 से 7 साल से कम हो। मगर हर बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही भड़काऊ लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है और दूसरी तरफ आप ट्विटर को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा क्यों? अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है सना इरशाद मट्टू। इन्हें अपनी फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। आप जानते हैं ये विदेश जाने वाली थी मगर इन्हें इमिग्रेशन पर रोक दिया गया। ये इनका ट्वीट है दोस्तों। ये ट्वीट क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I was scheduled to travel from Delhi to Paris today for a book launch and photography exhibition as one of the 10 award winners of the Serendipity Arles Grant 2020. Despite procuring a French visa, I was stopped at the immigration desk at Delhi airport. ये सिर्फ एक प्रदर्शनी में हिस्सा लेने जा रही थीं। इन्होंने देश का नाम रोशन किया था, मगर सना इरशाद मट्टू जो कश्मीर की रहने वाली हैं, जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, उन्हें इमिग्रेशन पर रोक दिया गया और फ्रांस नहीं जाने दिया गया।
सना इरशाद मट्टू के अलावा मैं आपको तीन और मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी। क्या आप जानते हैं कि उनके खिलाफ ट्विटर पर एक अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहा गया था। ऑप इंडिया जैसी भारतीय जनता पार्टी की कचरा वेबसाइट्स जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम से चलती हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में निहायत ही वाहियात अश्लील बातें कही थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई की? जिन लोगों ने हमारी सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, उनके खिलाफ क्या मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई की? आपकी स्क्रीन पर गौरी लंकेश, उनकी हत्या से जुड़ा जो मामला है उसकी अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि गौरी लंकेश के बारे में एक वाहियात ट्विटर यूजर ने अब शब्द कहे थे जब उनकी मौत हो गई थी? उस वक्त उस आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो कर रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं जानना चाहता हूं क्या कार्रवाई की, बताइए ना। बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान है। और तीसरी और आखिरी बात, कंगना रनौत, इसने ट्विटर पर नंबर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील की थी कि आप 2002 में गुजरात दंगों के अंदर जो आपका रूप था उसे फिर से दिखाइए। ये किसानों से इतना नाराज हो गई थी। इन्होंने ये तक कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने उस वक्त लोगों को टारगेट किया था, वही रूप दिखाए जाने की जरूरत है। इन्हीं बयानों के चलते ट्विटर ने उन्हें हटा दिया था। मगर बड़ा प्रश्न, क्या कंगना रनौत के खिलाफ कोई एक्शन मोदी सरकार ने लिया, या क्या उन्होंने ट्विटर से अपील की कि कंगना रनौत भड़काने वाली बातें कह रही हैं, उन पर कोई एक्शन लिया जाए? क्या एक भी शब्द कहा गया? नहीं। यह फर्क है कंगना रनौत और मोहम्मद जुबैर में, यह फर्क है अमित मालवीय और सना इरशाद मट्टू में। पता चल रहा है कि देश का नाम कौन रोशन कर रहा है, पता चल रहा है कि समाज के अंदर कौन दंगे भड़काना चाहता है, और यह भी पता चल रहा है कि दंगे भड़काने वालों के साथ आखिर यह सरकार क्यों खड़ी है। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब दिए जाने बेहद जरूरी हैं। मैं मोदी सरकार से समझना चाहता हूं, आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी क्या छवि पेश करना चाहते हैं? भारत के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के बारे में कहा जाता था कि इस देश में सर्वधर्म संभाव है। भारत के बारे में कहा जाता था कि यहां वसुधैव कुटुंबकम है, मगर आप किस तरह से हमारे कुटुंब की मान्यताओं को तोड़ रहे हैं? क्या ये हरकतें होती हैं एक ऐसी सरकार की जो 56 इंच की राजनीति की बात करती है? क्या ये हरकतें होती हैं ऐसी सरकार की जो ये बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं? ये तमाम मिसालें जो मैंने आपके सामने पेश की, क्या वो सबका साथ सबका विकास है? ट्विटर आज की तारीख में मोदी सरकार को अगर कर्नाटक हाईकोर्ट घसीट कर ले गई है तो उसके बहुत मायने हैं दोस्तों, क्योंकि इसी ट्विटर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे तक अपनी राजनीति के लिए किया था। यह ना भूलें फेसबुक, फेसबुक का जो भारतीय दफ्तर है वहां पर ऐसे कई लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं। फेसबुक पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि उसने विपक्ष के नेताओं पर कई बार अंकुश डाला है, उनके खिलाफ झूठा और गंदा प्रचार चलाया है, ऐसा फेसबुक पर आरोप है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग फेसबुक इंडिया में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके दिल में, आपके पेट में प्रचार की ऐसी क्या भूख है कि आप विरोध की तमाम आवाजों को दफना देना चाहते हैं, दफन कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं? अब आप ट्विटर से यह कह रहे हैं कि राजनेताओं के हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए, किसानों का समर्थन करने वालों को ब्लॉक किया जाए, यह आखिर कैसी सोच है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और यह बिल्कुल भी समझ के परे है। मैं तो आपसे यह भी नहीं कह सकता कि सुधर जाइए, मैं तो आपसे यह भी नहीं कह सकता कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें करने से आपको वोट्स हासिल होंगे, आपकी राजनीति की तरक्की होगी।
इसलिए आप नहीं सुधरने वाले हैं, आप कभी यूटर्न नहीं लेने वाले हैं, मगर हां देश की साख को जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उसकी कीमत आने वाले कई सालों तक यह देश चुकाता रहेगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।